यूपी के हमीरपुर जिले में छेड़छाड़ के बाद एक छात्रा के आत्महत्या करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मृतका के पिता ने आत्महत्या की वजह गांव के लोगों के छेड़छाड़ करने व पुलिस की ओर से कार्रवाई न करना बताया है। फिलहाल पुलिस ने फांसी पर लटके शव को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला हमीरपुर जिले के मझगवा थाना क्षेत्र के खड़ाखर गांव की है। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ और सार्वजनिक रूप से हुई अभद्रता से परेशान युवती दीपा ने घर में फांसी लगा ली। मृतका नगर के एक महाविद्यालय में बीए की छात्रा थी। पिता का आरोप है कि डेढ़ माह पहले प्रधानी की जीत में कुछ लोग गांव में जश्न मना रहे थे, जहां आधा दर्जन लोगों ने उनकी पुत्री को डीजे पर जबरन नचाने का प्रयास किया और विरोध करने पर अभद्रता करते हुए मारपीट की थी, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से की थी। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, जिनको थाने से ही छोड़ दिया गया था। अब वो आरोपी पीड़िता के साथ अक्सर छेड़छाड़ कर रहे थे, जिससे परेशान होकर छात्रा ने आज आत्महत्या कर ली। छात्रा की मौत की खबर मिलते ही मौके में पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए घटना की छानबीन शुरू कर दी है। ग्राम खड़ाखर थाना मझगवा में 2-3 मई 2021 को डीजे कुछ लोग बजा रहे थे और डांस वगैरह कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे पंचायत चुनाव के बाद परिणाम को लेकर। उसके दौरान नृपत सिंह जा रहे थे, रास्ते में उनसे विवाद हो गया, उनके घर वाले भी आ गए, उनकी पत्नी और उनकी भतीजी, उन लोगों से विवाद हुआ विपक्षियों का। इस संबंध में 4 मई को इन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें 354 का 147 188 अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना के बाद 30 मई को उसमें चार्जशीट लगा दी गई। कल नृपत सिंह की भतीजी राममिलन की लड़की ने अपने घर में सुसाइड कर लिया फांसी लगाकर। इस संबंध में इन्होंने तहरीर दिया कि हमारी लड़की ने फांसी लगा लिया है, इसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करा लिया जाए। कल इसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करा लिया गया। आज इन्होंने तहरीर दिया है कि जो लोग पिछली घटना किए थे उनके दबाव में आकर इसने आत्महत्या किया है। इस संबंध में FIR लिखने के लिए तहरीर दिया, जिस पर FIR पंजीकृत की जा रही है, धारा 306 थाना मझगवा में इसकी विवेचना की जाएगी। इसकी मृत्यु के लिए जो भी दोषी होगा उसके संबंध में कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सारस न्यूज, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश।